3 फरवरी 2023, ये वो दिन था जब स्पेस वेदर फिजिसिस्ट डॉक्टर टिमिता स्कोव ने एक ट्वीट की, जिनके मुताबिक उनका कहना था कि हमारे सूरज की नॉर्थ साइड पर उठने वाले एक वर्टेक्स की वजह से सूरज का बहुत बड़ा पीस टूटकर इसके एटमॉस्फेयर में तेजी से घूम रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर पर इस इवेंट की एक वीडियो भी पोस्ट की, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। जैसे ही ये ट्वीट पब्लिक हुई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसके बाद बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज और साइंस वेबसाइट्स ने इस पर अपने आर्टिकल्स पोस्ट करने शुरू किए। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि चाहे कोई आर्टिकल हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो हो, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सूरज का बहुत बड़ा पीस टूटकर अलग हो चुका है, ये न्यूज मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, साइंसदानों को परेशान करने वाली ये न्यूज फेक है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी सूरज की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इस टेलीस्कोप को सूरज की तरफ पॉइंट किया ही नहीं जा सकता। और कुछ दिन पहले जो सूरज पर हुआ वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, जिसे साइंटिस्ट सोलर प्रोमिनेंस कहते हैं, जो 11 साल के सोलर साइकिल का हिस्सा है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो आज की वीडियो में आप सूरज की नॉर्थ साइड के टूटे हुए हिस्से के बारे में जानेंगे, और इसके साथ आप ये भी जानेंगे कि सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है और क्या इनकी वजह से हमारी जमीन और इस पर मौजूद लाइफ पर कोई असर होगा या फिर नहीं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सोलर प्रोमिनेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियो में जिसे सूरज का टूटा हुआ हिस्सा बताया जा रहा है, असल में वो एक सोलर प्रोमिनेंस है, जो हाईली इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लाज्मा गैस क्लाउड का एक वोर्टेक्स होता है, जो कुछ सालों के सोलर साइकिल से वक्त के साथ साथ सूरज की फोटोस्फीयर से बाहर निकलता है और सूरज के एटमॉस्फेयर में मौजूद कोरोना लेयर तक जाता है। सूरज पर होने वाले इस इवेंट को हम सोलर एक्लिप्स के दौरान भी देख सकते हैं। साइंटिस्ट के पास इसकी कुछ पुरानी इमेजेस भी मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें मौजूद ब्लैक ऑब्जेक्ट हमारा सूरज है, जो सोलर एक्लिप्स के दौरान ऐसा दिखाई देता है, और इसके नीचे ये रेड कलर सोलर प्रोमिनेंस है। ये सोलर प्रोमिनेंस आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जिनकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये स्पीड सच में बहुत ज्यादा है। सोलर प्रोमिनेंस एक नॉर्मल इवेंट है, लेकिन ज्यादातर हमें ये सूरज के इक्वेटर पर देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा रेयर है कि इस तरह के इवेंट सूरज के नॉर्थ पोल पर हो। नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्चर्स के फिजिसिस्ट ने space.com को दिए गए इंटरव्यू में ये बताया कि इस तरह के सोलर प्रोमिनेंस हर 11 साल के सोलर साइकिल में देखने को मिलते हैं, और हर बार इसका लेटिट्यूड सेम यानी कि 55 डिग्री का होता है सोलर साइकिल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 साल के सोलर साइकिल में होने वाला ये एक नॉर्मल इवेंट है, और सोलर साइकिल बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हमारी जमीन पर सीजनल साइकिल होता है। इसमें कुछ वक्त के बाद हमारी जमीन के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंजिंग्स देखने को मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह सोलर साइकिल में भी सूरज के टेम्परेचर में कई चेंजिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से इसका असर सूरज के एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है। इसमें एक ऐसा पीरियड भी होता है जहां सूरज पर आने वाले सोलर स्टॉर्म और सोलर प्रोमिनेंस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 11 साल के सोलर साइकिल में होने वाले ये तमाम इवेंट्स दो अलग अलग प्रोसेस में होते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम कहते हैं। सोलर साइकिल के स्टार्ट में सूरज सोलर मिनिमम प्रोसेस से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड में सूरज पर बहुत कम सन स्पॉट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे सोलर एक्टिविटीज बढ़ती हैं, वैसे ही सूरज सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से इस दौरान सूरज पर सन स्पॉट्स और भी तेजी से इंक्रीज होने लगते हैं। अगर आप सन स्पॉट्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये सूरज पर बनने वाले छोटे छोटे पैचेस होते हैं, जिनका टेम्परेचर सूरज की ओवरऑल सरफेस से थोड़ा कम होता है। इस तरह के पैचेस सोलर स्टॉर्म के भी जिम्मेदार होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या सोलर प्रोमिनेंस हमारी जमीन और हम इंसानों के लिए खतरनाक बन सकते हैं या फिर नहीं। ये बात आप जान लें कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी जमीन पर देखने को नहीं मिलेगा,
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक नॉर्मल इवेंट है जो कुछ सालों के बाद सूरज पर देखने को मिलता है, लेकिन ये इवेंट सन साइकिल का हिस्सा है जिसकी वजह से इस दौरान सन स्टॉर्म की तादाद बढ़ जाती है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें सूरज से आने वाले किसी स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म का सामना करना पड़े। सोलर स्टॉर्म एक हाई चार्ज पार्टिकल्स का आउटबर्स्ट होता है जो सूरज से कई हजार किलोमीटर दूर तक अपना इफेक्ट दिखाता है। इसकी लपेट में कई बार हमारी जमीन भी आ चुकी है, लेकिन हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसे कुछ भी नहीं होता। अगर जमीन के पास मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो आज ये भी मार्स की तरह होती। यानी कि इस वक्त हमें सोलर प्रोमिनेंस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त साइंटिस्ट सोलर साइकिल में होने वाले सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम प्रोसेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, जिसकी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2025 तक सूरज के एटमॉस्फेयर के क्लोज एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर ली है, जो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो सूरज के पोल की सबसे करीबी हाई क्वालिटी इमेज कैप्चर करेगा। इस दौरान साइंटिस्ट का मेन फोकस सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम के दरमियान सन स्पॉट्स में होने वाली तब्दीलियों पर रिसर्च करने पर होगा। इस बार सोलर साइकिल 2025 में अपने मिडल टाइम में होगा और यहाँ से ही सोलर मैक्सिमम स्टार्ट होगा। अब आप सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस वक्त हमारे पास सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप मौजूद है जो सूरज की हाई क्वालिटी इमेजेस को कैप्चर कर सकता है, तो फिर साइंटिस्ट इसके जरिए सूरज को स्टडी क्यों नहीं कर रहे? आखिर साइंटिस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सूरज की तरफ पॉइंट क्यों नहीं कर रहे? इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल ये एक कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जिसमें 6.5 मीटर का प्राइमरी मिरर लगा हुआ है जो बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ये फेंट लाइट को भी कैप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट कायनात में दूरी पर मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे हैं। इसी मिरर की वजह से साइंटिस्ट इसे सूरज की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे। अगर इसके मिरर पर डायरेक्ट सन लाइट पड़ी तो इससे टेलीस्कोप में लगे इंस्ट्रूमेंट्स और इसका मिरर बहुत ज्यादा हीटअप हो सकता है, जिसकी वजह से ये डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस तरह की इंटेंस लाइट को स्टार के इतना करीब रहकर डिटेक्ट करने के लिए बनाया ही नहीं गया। अब सवाल ये है कि आखिर उस वीडियो की सच्चाई है क्या? वीडियो के स्टार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि ये वीडियो फेक है, लेकिन अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो इस वीडियो को 2010 में नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के जरिए रिकॉर्ड किया गया था। ये थी सूरज के टूटे हुए हिस्से की पूरी सच्चाई। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।